तो इस लेक्चर में हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स से स्टार्ट करेंगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में ये इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं जो डीसी करंट के लिए है, एसी करंट के लिए नहीं है। एसी पढ़ते समय मैं आपको वहाँ पर अलग बताऊँगा कि उनके इंस्ट्रूमेंट किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। ये केवल और केवल डीसी के लिए पढ़ रहे हैं। और इंस्ट्रूमेंट्स में भी हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं, डिजिटल नहीं। ऐसा नहीं कि वो डिजिट में होगा, ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का अलग प्रिंसिपल है और डिजिटल का अलग है। सो डिजिटल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। सो हमें जो है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर से ही हम कन्वर्ट करके बनाएंगे एमीटर और वोल्टमीटर। सो बेसिकली हमें ये दो चीज़ें पढ़ना है, कन्वर्जन ऑफ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर। फिर एक पोटेंशियोमीटर वायर है, ये वाला इधर, ये जो पोटेंशियोमीटर है, ये दोनों थे पोटेंशियोमीटर की सिंपल वायर है। और पोटेंशियोमीटर कि हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके किसी अननोन बैटरी का ईएमएफ निकाल सकते हैं, दो बैटरी को कंपेयर कर सकते हैं। ये सब आगे हम आप पढ़ेंगे। मीटर ब्रिज भी, ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है, तो ये भी हम आगे देख लेंगे। सो मेन हमारा मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर क्या है, ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। एक बार अपने को ये समझ में आ जाता है, देन वी हैव टू स्टडी कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। सो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि गैल्वेनोमीटर के मेन पार्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करनी होगी। सो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ मैग्नेट ले रखे हैं। ये आप देखिए, मैग्नेट हमने इस शेप का ले रखा है जिससे उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बने वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बने। सो आप जो है यहाँ पर सिलिंड्रिकल मैग्नेट लिए हैं। सो हम सिलिंड्रिकल मैग्नेट यूज़ करेंगे और ये जो यहाँ पर हम कॉयल लेंगे वो एक सिलेंडर के ऊपर ही लगाएंगे। सो यहाँ पर एक कॉयल हो गई, उस कॉयल को अपने को मैग्नेटिक फील्ड में रखना होता है। मैग्नेटिक फील्ड में जब हम रखते हैं और कॉयल पे करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क लगता है। सो जब टॉर्क लगेगा तो कॉयल रोटेट होगी। उसी कॉयल से हमने पॉइंटर लगा के रखा है, तो जैसे रोटेट होगी पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि यदि ज़्यादा डिफ्लेक्शन है तो ज़्यादा टॉर्क लगा होगा, ज़्यादा टॉर्क लगा होगा तो मतलब ज़्यादा करंट जा रही होगी। सो बेसिक बात हमें यहाँ पर क्या समझना है कि हमें इनमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाना हो, चाहे वो एमीटर हो, वोल्ट मीटर हो या गैल्वेनोमीटर हो, ये बने हुए इंस्ट्रूमेंट हैं। इन इंस्ट्रूमेंट के अंदर इस तरह का अरेंजमेंट रहता है। सो हम बार बार इस तरह के अरेंजमेंट पर ध्यान नहीं देंगे। हम केवल ये समझना चाहते हैं कि बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट होते कैसे हैं और हम उन्हें, हमारे पास ये जो गैल्वेनोमीटर कॉयल है उसमें क्या चेंजेस करें, हम और क्या चेंज कर दें जिससे हमारा वो गैल्वेनोमीटर, ये जो गैल्वेनोमीटर है वो एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाए। सो ये हमें इसमें बेसिक चीज़ें इस चैप्टर में सीखना है। सो गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है, इसके लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इन इंस्ट्रूमेंट को समझने के लिए। सो हमारा सबसे पहला है करंट लूप। कोई करंट लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड में कैसे काम करेगी, करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ऐसा करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं, जैसे ये हमने एक लूप मान लिया, ये एक करंट लूप है और इस करंट लूप में मैंने इस तरीके से एंटी क्लॉक वाइज में करंट मान लिया। अब ये जो करंट लूप है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ये वी है, पूरे यहाँ मौजूद है, बना नहीं रहा मैं लूप के अंदर। सो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट ऑल ओवर द प्लेस। सो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो गई। अब यदि हम किसी भी करंट कैरिंग वायर के मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। फोर्स किसके इक्वल होगा, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। और आप उसका जो है डायरेक्शन बता सकते हैं कि इधर की तरफ होगा आई एल क्रॉस बी का, राइट हैंड रूल से बता सकते हैं, वेक्टर से बता सकते हैं। सो अब देखिए, ये इधर की तरफ ये है, या यदि मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो हम कितना लिख सकते हैं, आई एल वी इंटू साइन थीटा, ये हो गया फोर्स लग गया। सो इन हर वायर पर, चार अपने पास वायर्स हैं, इन चारों वायर पर फोर्स लगना चाहिए। अब देखिए, ये जो वायर है ये इन दोनों पर तो फोर्स लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सेम डायरेक्शन में है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। तो हुआ क्या,
कि इस पर तो यहाँ पर फोर्स नहीं लगा, इस पर भी फोर्स नहीं लगा। अब रह गई बात ये कि इस पर किधर की तरफ फोर्स लगेगा। तो अब देखिए करंट कहाँ जा रहा है, जे डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आई डायरेक्शन में। तो जे क्रॉस आई ये माइनस के इक्वल होगा, है ना। ये आप जो है राइट हैंड रूल लगा के देख सकते हैं कि किधर की तरफ जाएगा। सो मैं तो वेक्टर रूल लगा दिया कि ये इधर जे डायरेक्शन है, आई एल जे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वी की तरफ। तो जे क्रॉस आई, सो जे क्रॉस आई इज़ माइनस के। तो माइनस के मतलब नीचे की तरफ, और इसमें फोर्स कहाँ लग गया, ऊपर की तरफ। सो इस वायर में जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और इसमें फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सो ये जो दोनों वायर हैं इसमें बेसिकली यदि मैं अलग जगह कहीं बना दूँ तो होगा क्या कि हम मैं ये टॉर्क लगा, इसमें नीचे की तरफ फोर्स लग गया, उसमें ऊपर की तरफ फोर्स लग गया। सो यदि मैं इसको ऐसे किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर दूँ कि ये वायर यहाँ है, सो इसमें फोर्स नीचे की तरफ बना देता हूँ। सो इधर की तरफ फोर्स बना दिया, डाउनवर्ड बना दिया, डाउनवर्ड लग रहा है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बात कर रहे हैं ये, और इधर क्या सॉलिड लाइन ये ऊपर की तरफ हो गई। सो फोर्स लग गया, फोर्स लगा और इन दोनों फोर्स के बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। सो इस पर अपने आप क्या लगने लगेगा, टॉर्क लगने लगेगा। सो ये कपल का निर्माण कर दिया इस कॉइल पे। तो जब भी हम किसी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस लूप की वायर पर फोर्स लग सकता है, फोर्स लगेगा। और यदि कॉइल फ्री है रोटेट करने के लिए तो यहाँ पर फोर्स इक्वल और अपोजिट होगा। यदि कोई भी करंट लूप है तो उस पर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगेगा तो ये कॉइल क्या करेगी, रोटेट कर जाएगी यदि हम वो फ्री कर रखे हैं रोटेट करने के लिए। सो टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो आपने पढ़ रखे होंगे, टॉर्क जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट से आप निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले इस लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे। सो म्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, आई इंटू ए, यदि नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर टॉर्क किसके इक्वल होगा, म्यू टॉर्क होगा लूप पर म्यू क्रॉस बी, या आप जो टॉर्क की वैल्यू लिखेंगे ये किसके इक्वल होगा, म्यू इंटू बी इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन म्यू एंड बी। या टॉर्क की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, म्यू बी साइन थीटा, और म्यू की जगह पर मैं रख दूंगा कितना, आई ए, नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो एन आई ए बी साइन थीटा। सो किसी भी करंट कैरिंग लूप को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, सो डिपेंडिंग ऑन द करंट, डिपेंडिंग ऑन एरिया ऑफ द लूप, मैग्नेटिक फील्ड और एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो उसके बेसिस पर टॉर्क लगेगा। अब हम क्या करते हैं कि थीटा को फिक्स कर देते हैं, थीटा ले लेते हैं 90। सो यदि हम इस तरह का अरेंजमेंट करें कि थीटा 90 हो, सो इफ थीटा इज इक्वल टू 90, सो टॉर्क की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आई ए बी साइन थीटा, और साइन 90 हो गया। सो यहाँ पर जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो आ जाएगी आई ए इंटू बी की, नंबर ऑफ़ टर्न्स में नहीं ले रहा, नंबर ऑफ़ टर्न्स होगे तो नंबर ऑफ़ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यदि हम इस तरीके से अपनी कॉइल को अरेंज करें कि वहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री हो, तो जो टॉर्क होगा वो आई ए बी की इक्वल होगा। अब यदि मैं फिक्स्ड शेप की लूप ले लेता हूँ, ऐसी लूप जो अपना शेप नहीं चेंज करे, तो एरिया फिक्स हो गया, फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में रख दूँ तो बी भी फिक्स हो गया। सो हमारे पास बचा क्या, करंट बचा। सो फॉर अ कॉइल, फॉर अ लूप इन कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इन कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इन कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो हमारे जो उस लूप पर टॉर्क लगेगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब आप ये एंगल 90 कैसे कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। आप लूप ले लीजिए, करंट लूप सर्कुलर, ये सर्कुलर आपकी करंट लूप हो गई, ये इसका सेंटर है। तो जो इसका सेंटर है, सो आप जो मैग्नेटिक फील्ड लीजिए वो रेडियल ले लीजिए। आप इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कीजिए कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके सेंटर की तरफ होनी चाहिए। कैसे प्रोड्यूस करेंगे मैं अभी आपको बता दूंगा, बट मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी रेडियल। सो ये इधर की तरफ, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ ऐसे
आपने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। सो अब देखिए हुआ क्या, आपकी जो लूप है यहाँ पर, ये करंट लूप है। सो आप लूप का कोई भी सेक्शन लेते हैं, छोटा सा भी सेक्शन लेंगे, सो करंट तो इधर की तरफ जा रही है, तो आई डी एल की वैल्यू हो गई आई, और मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, सेंटर की तरफ है, सो मैग्नेटिक फील्ड बी हो गई। सो आई और बी के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। सो थीटा सो आपका 90 हो गया। सो आपने थीटा फिक्स कर दिया। सो थीटा फिक्स करने से फ़ायदा क्या हुआ कि जो मेरा टॉर्क लगेगा वो किसके इक्वल होगा, आई ए इंटू बी के इक्वल होगा। सो हद हम चाहते हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड करंट के या लूप के हमेशा परपेंडिकुलर हो। सो हमें फील्ड कैसी लेना होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेना होगा। सो रेडियल मतलब अलोंग दी रेडियस। सो यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड कौन सी ले लिया है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैं बताऊँगा कैसे ले सकते हैं। और ये जो है करंट लूप है, सर्कुलर करंट लूप। सो करंट लूप मैंने से कैसे ले लिया, सर्कुलर ले लिया, सर्कुलर करंट लूप। यदि हमारी करंट लूप सर्कुलर है और मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है तो टॉर्क की वैल्यू अपने आप आई ए बी हो जाएगी, क्योंकि म्यू और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। म्यू इस लूप के परपेंडिकुलर होगा, पूरे प्लेन में कहीं पर भी आप डाइपोल मोमेंट लेंगे सो दैट डाइपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू द लूप ऑफ द प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन पर है तो वो 90 डिग्री पर हो गया। सो मैंने आपको क्या समझाया कि हमें ये लेना है, तो हम फोर्स भी हमारा हर टाइम पर आई एल बी के इक्वल हो गया कि थीटा है, और हमने इसको भी थीटा को कितना मान लिया, 90 मान लिया। इस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर लूप ले लिया तो म्यू और बी के बीच का भी एंगल 90 है, और यदि हम फोर्स ले रहे हैं सो लेंथ वेक्टर, आई एल वेक्टर और बी के बीच का भी एंगल 90 है। सो इस तरीके से हम स्पेशल अरेंजमेंट कर सकते हैं जिससे हमारी टॉर्क की वैल्यू कितनी हो, आई ए बी। यदि आप इस लूप के शेप को चेंज नहीं करते, मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज नहीं करते हैं, सो आपका जो टॉर्क होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सो यदि हमारे पास कोई करंट कैरिंग लूप, इफ़ अ करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड देन द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कैरिंग इन द लूप। सो अब हमें इसमें प्रिंसिपल समझना है मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का। सो मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, सो इसमें मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर नाम क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉयल क्या करती है, रोटेट करती है, इसीलिए इसका नाम है मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। अब सबसे पहले मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर में मैग्नेट कैसे लेंगे, सो मैग्नेट हम लेते हैं सिलिंड्रिकल। सो मैंने ये सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन के मैग्नेट ले लिए, दीज आर सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स, सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन के, ये नॉर्थ और ये साउथ हो गया। इनकी खास बात क्या होगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल होगी। सो आप ऐसे जो है इसको बता सकते हैं, सो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमने बना लिया। साउथ वाले पे इंटर करेगी, नॉर्थ वाले से निकलेगी, सो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियल होगी, हर जगह इस पर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी इस तरीके से। अब यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, रेडियल। तो आप ऐसे बना के रखेंगे सिलेंडर में, ये मैंने क्रॉस सेक्शन बना रखा है, सो हर तरफ से अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाई जा सकती है, सो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में मैं जो लूप लूँगा वो सर्कुलर लूँगा, सो एक करंट हो गई, करंट आई, और मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है, मतलब ये इसका सेंटर है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लूप, ऐसे जो है आप रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, ये मैंने फिर से बना दिया। सो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, सो ये जो मैंने बनाया है दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके परपेंडिकुलर हो गई, सो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में हमने रख दिया। अब यहाँ पर कैसे रखेंगे हम, इस तरीके का सिलिंड्रिकल मैग्नेट का मतलब ये है कि हमारे पास ये कोई सिलिंड्रिकल कॉयल बना लिया, जैसे माना मैंने ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर हो गया, और इसी के अंदर यहाँ पर आप जो है इस कॉयल को लपेट दीजिए ऐसे, सो आपकी कॉयल जो है वो सर्कुलर हो गई, और उसमें करंट फ्लो करने का अरेंजमेंट बना सकते हैं। इसका
अपने को कंस्ट्रक्शन समझने की जरूरत नहीं है, बस अपने को समझना है कि गैल्वेनोमीटर की एक कॉयल होती है। सो दिस इज़ द कॉयल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, जो हमारी इस तरह के सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। सो दिस इज़ द कॉयल ऑफ गैल्वेनोमीटर, सो कॉयल ऑफ गैल्वेनोमीटर हो गया। अब हम गैल्वेनोमीटर को डिज़ाइन कैसे करेंगे? सो गैल्वेनोमीटर को डिज़ाइन करने के लिए यही है कि ये अपने सिलिंड्रिकल मैग्नेट ले लिया। सो दिस इज़ अ सिलिंड्रिकल मैग्नेट, हमने जो है यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं। सो दिस इज़ आवर सिलिंड्रिकल मैग्नेट। सिलिंड्रिकल मैग्नेट के अंदर हमने यहाँ पर एक कॉयल रख लिया। अब एक कॉयल जो है थोड़ा सा अपने को यहाँ से सर्कुलर कॉयल ही है ऐसे, ये बना लिया। कॉयल के अंदर करंट जाने का अरेंजमेंट करना होगा, सो ये मैंने ऐसे बना लिया कि यहाँ कहीं बाहर से ये करंट जा रही है। रोटोडोट करने की सारी व्यवस्था रहेगी, ये जस्ट हम प्रोटोटाइप बना रहे हैं। ये कॉयल है, यहाँ पाइवेट होगा उसका, जिस सिलेंडर पे हमने उसे रख रखा होगा, और फिर यहाँ पर हम इस तरह का एक स्केल बना सकते हैं। सो दिस इज़ स्केल, यहाँ पर कोई हमने स्केल बना दिया, उसका ये जीरो बांध लिया इधर की तरफ, और इधर की तरफ थीटा मैक्सिमम हो गया कि कहाँ तक वो डिफ्लेक्ट हो सकती है। सो यहाँ पर ये थीटा मैक्सिमम हो गया, और यहाँ से कनेक्ट करके हमने पॉइंटर लगा दिया। सो दिस इज़ अवर पॉइंटर। अब आप जब इसमें यहाँ पर आप की लगा सकते हैं, दिस इज़ अवर की, कि आप यहाँ पर कोई की लगा दीजिए, की क्लोज करेंगे तो इसमें से, सो इस कॉयल में क्या होगी, की बंद करेंगे तो करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड में कॉयल रखी हुई है तो इस कॉयल पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगेगा तो कॉयल क्या करेगी, रोटेट करेगी। रोटेट करेगी तो उस कॉयल से हमने पॉइंटर लगा रखा है तो पॉइंटर टर्न होगा। यदि हमने यहाँ पर करंट की डायरेक्शन, एक डायरेक्शन के लिए राइट घूमती है, तो यदि आप डायरेक्शन पलट देंगे तो लेफ्ट की तरफ घूमेगी। सो मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर में एक कॉयल होती है, उस कॉयल का अपना एक रेजिस्टेंस होगा। सो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे कि जी इज़ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर का वायर है उसका रेजिस्टेंस। आई जी मानेंगे हम, आई जी मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अब मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, आई के। अब इस कॉयल में टॉर्क लगेगा, कॉयल में टॉर्क लगेगा तो ये टर्न करेगा, टर्न करेगा तो पॉइंटर घूमेगा। तो यहाँ पर टॉर्क किस पर डिपेंड कर रहा है, आई पर डिपेंड कर रहा है। अब जब करंट होगी, टॉर्क लगेगा, तो ये हमारा ये जो पॉइंटर है वो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। जैसे ही आपने इस की को बंद किया, यहाँ की तरफ क्या जाएगी, करंट जाएगी। इस तरीके से मैंने सिंपल डाइग्राम बनाया, और जाएगी तो मान लिया कि हमारा जो पॉइंटर है वो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। अब आप जैसे जैसे इसका करंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, इस कॉयल का डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर जो है थीटा, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो ये गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल हो गया। सो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। सो हमारे पास हमारी जो करंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये करंट आई हो गया, प्रोपोर्शनलिटी हटा दीजिए। सो थीटा इज इक्वल टू के आई, वेयर के इज नोन एज गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट, गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट। अब ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर, उसके रेडियस पर, और स्प्रिंग वगैरह लगा रखे होंगे उसके, ट्विस्टिंग कॉन्स्टेंट पर। सो ये प्रिंसिपल हो गया गैल्वेनोमीटर का। सो मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या हो गया, कि द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसमें डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, उसका बेसिक रीजन ये है कि हम जब कोई भी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क लगता है, और टॉर्क किसके इक्वल होता है, आई ए बी साइन थीटा के। हम इंटेंशनली इसको इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं
कि हमारा टॉर्क किसके इक्वल हो जाए, आई ए बी की, जिससे हमारी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किसके इक्वल हो, आई ए बी के इक्वल हो, वो उसके थीटा पर डिपेंड ही नहीं करे। थीटा हमने 90 सेट कर दिया, तो हमारे पास एक सिंपल सा हो गया टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी। इसके बाद हम ये समझ रहे थे कि यदि हम ए और बी दोनों फिक्स कर दें तो हमारा टॉर्क किसके पर डिपेंड करेगा, आई पर डिपेंड करेगा। सो बेसिकली टॉर्क इज डिपेंडिंग ऑन आई। अब हमने यहाँ क्या देखा कि यदि टॉर्क ज़्यादा होगा, करंट आप बढ़ाएंगे तो टॉर्क की वैल्यू बढ़ेगी, टॉर्क की वैल्यू बढ़ेगी तो उसका डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। सो मेन प्रिंसिपल क्या हो गया गैल्वेनोमीटर के लिए कि उसका जो डिफ्लेक्शन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं कि जैसे हम उसकी करंट की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे तो उसका डिफ्लेक्शन बढ़ता चला जाएगा। अब यदि हमारे पास एक कोई गैल्वेनोमीटर बनाया और ये इसका जीरो वाला मार्क था और जीरो वाला मार्क है और ये इसका कॉयल है और इधर की तरफ तो ये थीटा मैक्सिमम है कि यहाँ की तरफ जो है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, इसके बाद इसका स्केल एग्जिस्ट नहीं करता और यहाँ पर हमने क्या बना रखा है, ये स्केल बना रखा है। सो इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया। तो जिस समय थीटा मैक्सिमम होगा उस समय जो करंट होगी वो कौन सी होगी, आई जी होगी। सो आई जी करंट है, आई जी मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो जब गैल्वेनोमीटर की कॉयल में करंट मैक्सिमम फ्लो हो रही होगी जिसका नाम आई जी है तो कहलाएगी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अब मैं गैल्वेनोमीटर की कॉयल को, गैल्वेनोमीटर को एक रेजिस्टेंस से बना देता हूँ तो उसका रेजिस्टेंस हो गया जी। उसमें यदि करंट कितनी जा रही है, आई जी जा रही है, तो उस पर डिफ्लेक्शन कितना होगा, फुल होगा। और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उस कॉयल के एंड में वो कितना होगा, वी जी। अब ये रेजिस्टेंस है सो रेजिस्टेंस के लिए हम फार्मूला जानते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर। तो वी जी इज इक्वल टू आई जी इंटू जी, वेयर आई जी इज़ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, द वैल्यू ऑफ करंट विच प्रोड्यूसेस फुल स्केल डिफ्लेक्शन, एंड जी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉयल। तो हमने जो गैल्वेनोमीटर कॉयल ले रखा है, जो हमने यहाँ सिलेंड्रिकल कोर में उसको जो है सिलेंड्रिकल कोर में वुंड कर रखा है, उस कॉयल का जो रेजिस्टेंस है वो जी है, और वो करंट जो उसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन ला सकती है, इसको पूरा यहाँ तक डिफ्लेक्ट कर सकती है, दैट इज नोन एज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अब ये जो पूरा गैल्वेनोमीटर है इसको अब हम ऐसे नहीं समझेंगे, अब हम गैल्वेनोमीटर को हमेशा एक रेजिस्टेंस समझेंगे कि मान लिया मेरे पास एक रेजिस्टेंस वायर है, उस रेजिस्टेंस वायर में करंट आई जी फ्लो कर रही है, तो उस गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर में जो डिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा, फुल होगा। सो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट किसके इक्वल है, वी जी इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। अब यदि हमारी करंट की वैल्यू हम कम कर देंगे तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, तो उस समय जो वोल्टेज होगा वो वी इज इक्वल टू आई इंटू जी के इक्वल होगा। इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब गैल्वेनोमीटर के कुछ छोटे छोटे जो है पॉइंट्स हैं। सो एक सबसे पहला पॉइंट है करंट सेंसिटिविटी। सो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, सो दिस इज़ द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। सो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। सो करंट सेंसिटिविटी को मैं सी एस से लिख रहा हूँ, किसके इक्वल होगा, डिफ्लेक्शन डिवाइड बाय आई। मान लेता हूँ डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है सो करंट किसके इक्वल होगा, आई जी के इक्वल होगा। सो यदि आप कम से कम करंट लें, ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेक्शन मिले तो उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। सो हमारा गैल्वेनोमीटर करंट के लिए सेंसिटिव कब होगा, जब छोटी से छोटी करंट के लिए भी उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, और जो हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ले रहे हैं उसके लिए जो करंट है वो कौन सी हो गई, आई जी। सो करंट सेंसिटिविटी हो गई। ये मेजर करेगा कि हम कितनी छोटी से छोटी करंट को उसमें मेजर कर सकते हैं। करंट सेंसिटिविटी के बाद है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब ये होगा कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज कितना है। आप जो है बाहर से बैटरी लगाएंगे उसका वोल्टेज लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट फ्लो होगी, उस पर टॉर्क लगेगा, उसका डिफ्लेक्शन होगा। सो दिस इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। सो दिस इज़ द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन एंड वोल्टेज। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, पर यूनिट वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हम कितना अप्लाई कर रहे हैं। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी वी एस दैट विल बी थीटा बाई आई, या यहाँ पर आप जो है थीटा मैक्सिमम ले लेंगे और ये बी जी के इक्वल होगा। इस तरीके से हम करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी बता सकते हैं। थर्ड में है
कि मैं करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो ले लेता हूँ। तो जो रेशियो लूँगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, मैक्सिमम पुट कर देता हूँ, थीटा मैक्सिमम डिवाइड बाई आई जी, और वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी है, थीटा मैक्सिमम डिवाइड बाई वी जी। थीटा मैक्सिमम कट गया, ये कितना हो गया वी जी बाई आई जी, और इधर मैंने आपको बताया था कि वी जी इज इक्वल टू आई जी इंटू जी, तो यहाँ कितना हो गया आई जी इंटू जी डिवाइड बाई आई जी, कैंसिल हो गया। सो ये किसके इक्वल हो गया, जी के इक्वल हो गया। सो ये एक छोटी सी बात आप ध्यान रख सकते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है जी, वो होगा करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाई वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू जी। ये जी जो है उस गैल्वेनोमीटर की प्रॉपर्टी है। आपने एक बार गैल्वेनोमीटर बना लिया, कॉइल सेलेक्ट कर लिया, तो उसका जी फिक्स हो गया। जी फिक्स हो गया और आपने उसका स्केल बना दिया, भाई यहाँ पर स्केल भी तो फिक्स कर दिया होगा कि यहाँ से स्केल ख़त्म हो जाएगी, तो उसका आई जी भी फिक्स हो गया। तो वी जी, ये जो जी है और ये आई जी है, ये उसके फिक्स्ड पैरामीटर हैं। इनसे आप ये बता सकते हैं कि किस वोल्टेज के लिए जो है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा। अब हमें यदि उससे कम या उससे ज़्यादा करंट या वोल्टेज को क्या करना है, मेजर करना है, तो हमें अपने गैल्वेनोमीटर में चेंज करना होगा। सो गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए गैल्वेनोमीटर, देयरफॉर ए गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू डिटेक्ट ए वेरी स्मॉल करंट। सो बहुत स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज गैल्वेनोमीटर। अब इस गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या होगा कि इसका जो डिफ्लेक्शन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इसके दो पैरामीटर होंगे, कौन कौन, आई जी होगा और ये जी होगा, ये दो इसके पैरामीटर है। आई जी इज़ नोन एज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट एंड जी इज़ नोन एज इट्स रेजिस्टेंस। अब यदि हम इसे एक ऐसे डिनोट करना चाहें, अब गैल्वेनोमीटर को आप डिनोट कैसे करेंगे, सो गैल्वेनोमीटर को डिनोट करने के लिए हम ऐसा सिंबल बनाएंगे, यहाँ पर मान लो जी बना लिया, ये ऐसे और ये बना दिया, यहाँ से करंट जा रही है, मान लो इसमें से करंट जी जा रही है, तो इसमें डिफ्लेक्शन कितना होगा, थीटा मैक्सिमम होगा। ये आप इसी को रेजिस्टेंस से डिनोट करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस जी है और जब आप करंट आई जी भेजेंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन कितना होगा, थीटा विल बी इज इक्वल टू थीटा मैक्स। तो इस तरीके से बता सकते हैं। तो सर्किट में हमें जब गैल्वेनोमीटर बनाना होगा तो हम इस तरीके से गैल्वेनोमीटर बना देंगे। अब हमारे पास ये जो गैल्वेनोमीटर आया है, ये करंट तो कितनी मेजर कर सकता है, आई जी, अब मेरे है ना, और वोल्टेज कितना मेजर कर सकता है, यहाँ पर यदि आप लेंगे तो वोल्टेज मेजर कर सकता है बी जी के इक्वल, इससे अधिक वोल्टेज मेजर नहीं कर पाएगा। आप इससे अधिक वोल्टेज लगा देंगे, ज़्यादा करंट जाएगी, उसकी कॉइल जल जाएगी। सो गैल्वेनोमीटर की लिमिटेशन फिक्स हो गई कि ये जो हम गैल्वेनोमीटर बनाना चाहते हैं वो मैक्सिमम करंट कितना मेजर करेगा, आई जी, और उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा, वी जी। क्यों, क्योंकि हम इसका जी, जब तक हम इसकी जी चेंज नहीं करेंगे, जी चेंज करने के लिए मेरे को नई कॉइल लेना होगा, नई कॉइल नहीं लिया तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना होगा। सो जब तक हम उसके कॉइल पर चेंज नहीं करेंगे तब तक हम गैल्वेनोमीटर के इनको चेंज नहीं कर सकते। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि मैं एक ऐसी करंट मेजर करना चाहता हूँ जो इस आई जी का 1000 टाइम्स ज़्यादा हो, या मैं ऐसा वोल्टेज मेजर करना चाहता हूँ जो इस वी जी का 100 टाइम्स, 200 टाइम्स या 1000 टाइम्स ज़्यादा हो। सो हमें गैल्वेनोमीटर में चेंज करना होगा। तो हम गैल्वेनोमीटर के अंदर चेंज, गैल्वेनोमीटर की कॉइल में बिना चेंज किए हम क्या कर सकते हैं, आई जी से ज़्यादा करंट मेजर कर सकते हैं और बी जी से ज़्यादा वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो हम जब करंट ज़्यादा मेजर करना चाहते हैं तो हम जो इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे दैट इज़ नोन एज एमीटर, और हम जब वोल्टेज मेजर करना चाहेंगे देन दैट इज़ नोन एज वोल्टमीटर। सो हम गैल्वेनोमीटर में डिजायरेबल चेंज करके उसको एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर केवल करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं जो मैक्सिमम आई जी तक की करंट को डिटेक्ट कर सकता है। सो इसमें हम अभी एमीटर पढ़ेंगे, ये सब डीसी सर्किट के लिए पढ़ रहे हैं जो डीसी करंट को मेजर करेंगे। सो एमीटर क्या होता है, जैसे मान लिया मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है आर, और मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, बैटरी है तो इसमें करंट फ्लो करेगी,
सो मान लिया करंट कितनी है आई, सो आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ई बाई आर के। ये तो हो गया कैलकुलेटेड करंट। अब मैं मेजर करना चाहता हूँ कि करंट इतनी ही फ्लो कर रही है, इससे कम फ्लो कर रही है, ज़्यादा, सो मेरे को इस करंट को मेजर करना है। सो मेजर करने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पास ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हमारे पास ये रेजिस्टेंस था आर रेजिस्टेंस, इसी के सीरीज़ में मैं आगे एक इंस्ट्रूमेंट जोड़ दूंगा, एमीटर। एमीटर जोड़ दिया और बाकी सब यही है यहाँ पर, और ये बैटरी ई है, रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस आर है। तो आप देखिए सेम बैटरी रखेंगे सो करंट कितनी हो गई, मान लेता हूँ मैं आई वन करंट हो गई। सो आई वन या आई डैश जो करंट होगी इसकी इक्वल हो जाएगी ई डिवाइड बाई आर प्लस आर, उस इंस्ट्रूमेंट का कोई ना कोई रेजिस्टेंस जरूर होगा। सो ये जो आई वन की वैल्यू है दैट इज लेस देन आई। सो आप जब भी करंट मेजर करने के लिए मीटर को लगाएंगे तो जो एक्चुअल करंट थी सर्किट में वो तो रही नहीं, आपकी करंट घट गई। सो आप जब भी मेजर करना चाहेंगे तो आपकी करंट डिक्रीज करेगी। तो अब आपको कोशिश करना होगा कि आप जो रेजिस्टेंस ले रहे हैं और जो एमीटर का रेजिस्टेंस है ये जितना कम से कम हो, है ना। सो इफ़ आर ए इज़ वेरी वेरी लेस देन आर, देन आई वन इज़ अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू आई। आई होगा कब, जब हम इसको जीरो कर लें। सो एमीटर क्या हो गया, उसको कैसे मेजर लगाते हैं। सो हम सबसे पहली बात उसको सीरीज में लगाएंगे। सो पहला पॉइंट क्या हो गया, एमीटर, एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर करंट। करंट मेजर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज एमीटर। अब आप देखिए कि पहले मैंने यहाँ मीटर नहीं लगाया था, करंट कितनी है आई इज इक्वल टू ई बाई आर, मैंने सीरीज में एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया एमीटर जिसका रेजिस्टेंस कितना है आर ए है, तो आपकी करंट ये हो गई। तो करंट घट गई, हम चाहते नहीं करंट कम हो घटे, इसलिए हम लो रेजिस्टेंस लेंगे। सो रेजिस्टेंस अब पहले देख लें कि सर्किट में कनेक्ट कैसे होगा। सो एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो जिससे आपको करंट मेजर करना है उसके सीरीज में आप एमीटर को जोड़ेंगे, तो एमीटर को हमने सीरीज में जोड़ दिया। थर्ड ये है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी लो। यदि आप लो नहीं लेंगे सो करंट में चेंज बहुत ज़्यादा हो जाएगा जो हम चाहते नहीं हैं। सो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी लो। फोर्थ कभी कभी आइडियल पूछता है, सो रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर इज़ ज़ीरो। सो हम आइडियल एमीटर के रेजिस्टेंस लेंगे, सो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा, ज़ीरो। ये केवल हमारा एक एजम्पशन है, ज़ीरो कोई चीज़ नहीं है, जो रेजिस्टेंस ले रहे हैं उसके कंपेरिजन में यदि निग्लिजिबल है सो हम इसे ले सकते हैं। सो हमारे पास अब ये इंस्ट्रूमेंट लाएंगे कहाँ से, इस इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए हम जो है गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। सो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे जिसको संट कहते हैं। तो मैं उसको डायग्राम से समझाऊंगा। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर ए स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, टू द गैल्वेनोमीटर। सो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम क्या करते हैं, एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज संट, तो इसको हम संट रेजिस्टेंस लिखते हैं। अब आप समझिए कि मेरे पास क्या है यहाँ पर, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसा नहीं है
कि बहुत डिफ़िकल्ट है कोई चीज़। यहाँ पर मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर की अपनी एक लिमिटेशन है कि ये मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकता है, आईजी मेजर कर सकता है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरा सर्किट जा रहा है, ये जो सर्किट जा रहा है इसमें करंट कितनी जाए, आई जाए। एंड दिस आई इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू आईजी। सो मुझे करना क्या होगा कि यदि मैं मान लेता हूँ कि ये 1 माइक्रो एम्पियर है और ये 1 एम्पियर की करंट है, तो 10^6 टाइम्स ज़्यादा हो गई। सो मैं इस करंट को यहाँ से भेज नहीं सकता हूँ, तो मेरे को करंट को बाईपास करना पड़ेगा यहाँ से। ये गैल्वेनोमीटर था तो बाईपास कर दिया। बाईपास करने के लिए यहाँ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, और यही रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, संट कहलाता है। सो अब आप जब यहाँ लेंगे तो करंट सर्किट में कितनी आई, और यहाँ करंट बाहर आ गई। सो आप क्या करना चाहते हैं, इस आई करंट को मेजर करना चाहते हैं। दिस आई करंट कैन बी वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू आई जी। लेकिन इस गैल्वेनोमीटर के अंदर मैक्सिमम कितना करंट आप भेज सकते हैं, आई जी भेज सकते हैं, है ना। सो इधर की तरफ कितनी करंट चली गई हमारे पास, ऊपर की तरफ जो करंट है वो चली गई कितनी, आई माइनस आई जी। इस तरीके से हम बना सकते हैं। सो हम क्या करेंगे कि इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। सो हमारी जो भी करंट है वो इसके ऊपर से चली जाएगी। अब पैरेलल में करंट ज़्यादा कब जाएगी, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो। तो हम स्मॉल रेजिस्टेंस रखेंगे, जितना स्मॉल होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ करंट जाएगी। आप जितना ज़्यादा करंट को डाइवर्ट करना चाहते हैं उतना ही आपको इसकी वैल्यू को क्या करना होगा, जो है स्मॉल रखना होगा। सो बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें हो गई कि जैसे मान लेता हूँ कि मेरे पास ये करंट आई है और मेरे को इस करंट को इधर डाइवर्ट करना है, कुछ इधर ले जाना है, कुछ इधर ले जाना है। R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है। इस तरीके से मैं अपनी करंट को डाइवर्ट करना चाहता हूँ, इधर की तरफ I1 और इधर की तरफ I2। सो मेरे को पता है कि पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होगा। सो I1 R1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, I2 R2 के इक्वल होगा। सो R जितना कम होगा I की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यदि करंट यहाँ से ले जाना चाहते हैं तो S की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। सो मैं इस गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर अपने को क्लियर हो गया था क्या था, गैल्वेनोमीटर के अंदर ये लगा होगा जहाँ से वो डिफ्लेक्शन मेजर कर सकता है, गैल्वेनोमीटर है। अब अपने बार बार इस डिटेल पे नहीं जाएंगे, हमें इसका कोई काम भी नहीं है कंस्ट्रक्शन पे। हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, उस गैल्वेनोमीटर से हम करंट को मेजर करना चाहते हैं, और वो करंट मेजर करना चाहते हैं जो उसके मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट से ज़्यादा है। तो मुझको गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना होगा, उस रेजिस्टेंस का नाम हमने क्या रख दिया, संट रख दिया। तो जो भी एक्सेस करंट है उसे पैरेलल से होकर के चली जाएगी। सो एमीटर कैसे बनाएंगे हम, एमीटर बनाने के लिए हमें गैल्वेनोमीटर के पैरेलल क्या करना पड़ेगा, एक संट लगाना होगा। अब आप देखिए, मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि इन दोनों पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होगा, तो यहाँ ये दोनों जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा। तो इसका सिंपल प्रिंसिपल क्या हो गया, आईजी इंटू जी, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आईजी इंटू जी। और ये इधर किसके इक्वल होगा, आई माइनस आईजी इंटू संट एस। ये आपका गैल्वेनोमीटर एमीटर का प्रिंसिपल हो गया, आईजी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आईजी इंटू एस। अब आप यहाँ से संट की वैल्यू निकालना चाहें या करंट की वैल्यू निकालना चाहें, तो एक पार्टिकुलर करंट मेजर करने के लिए आपको कितना संट लगाना पड़ेगा, सो आईजी इंटू जी डिवाइड बाई आई माइनस आईजी। तो आप जो है करंट यदि आई मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए संट की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। सो ऐसा नहीं है, आप जब गैल्वेनोमीटर डिज़ाइन करेंगे तो सबसे पहले उसका रेंज डिसाइड करेंगे कि आप क्या मेजर करना चाहते हैं। सो आई इज़ नोन एज रेंज, कि मैक्सिमम जो है आप कितनी करंट मेजर कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ही सेंटर जो है यूज़ करेंगे आप। आप चाहते हैं कि और रेंज बढ़ जाए तो आप एस की वैल्यू और कम कर दीजिए। इस तरीके से आप जो है करंट को एडजस्ट करके बता सकते हैं। सो मैंने आपको यहाँ सिखाया कि हम करंट को मेजर करना चाह रहे थे, इस रेजिस्टेंस में कितनी जा रही है, तो उसके सीरीज मैंने मीटर लगा दिया। अब तो सो एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर करंट। दूसरा एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज में लगा देंगे। दूसरा उसका कम होना चाहिए रेजिस्टेंस, यदि इनफाइनाइट जीरो होना चाहिए। फिर गैल्वेनोमीटर को यदि मेरे को एमीटर में चेंज करना है तो मैं उस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या करूँगा, एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दूंगा। दैट स्मॉल रेजिस्टेंस इज नोन एज शंट। स्मॉल क्यों, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा करंट को डाइवर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू मेजर अ करंट विच इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू
मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट इन द गैल्वेनोमीटर। सो अब इसमें हमें अभी पढ़ना है वोल्ट मीटर। सो वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस या जिसे हम वोल्टेज लिखते रहते हैं उसको मेजर करना है। सो सपोज़ ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और यहाँ मैंने एक बैटरी लगा दिया है, कई रेजिस्टेंस लगा सकते हैं EMF-E की, इसमें करंट जा रही है कितनी I, और यहाँ पर मुझको वोल्टेज मेजर करना है। सो वोल्टेज मेजर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाऊँगा, कितना वोल्टेज आ गया। सो जो V है वो किसके इक्वल होगा, I R के इक्वल होगा, ऐसे मैं बता सकता हूँ। I किसके इक्वल है, IE/R के इक्वल हो जाएगा। सो ऐसे बताया जा सकता है ये IR वोल्टेज तो इतना हुआ इसके क्रॉस, क्यों करंट I जा रही है और रेजिस्टेंस R है। अब यदि मुझको इसको वोल्टेज को मेजर करना है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, ये R हो गया, तो इसके पैरेलल में मुझे एक इंस्ट्रूमेंट लगाना होगा, दैट इज़ नोन एज वोल्टेज। सो वोल्टेज इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द रेजिस्टेंस, और यही है यहाँ पर मैंने मान लिया, यहाँ E हो गया, करंट इसकी बदल जाएगी। सो मान लेते हैं यहाँ पर करंट, सपोज़ कि आप इस तरीके से अरेंज करते हैं कि I1 हो गई, अब यहाँ करंट जाएगी और इधर से भी करंट जाएगी, बट आप चाहते हैं कि इसमें करंट में चेंज बहुत ज़्यादा नहीं आए। मान लिया कि ऐसा एडजस्ट किया कि यही करंट है, इधर की तरफ मान लो करंट I1 चली गई और उधर कुछ करंट I2 चली गई। सो ये करंट का डिवीज़न कम से कम होता है, वोल्टेज क्या हो, हाई होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए डिवाइस या रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। करंट थ्रू होता है एंड वोल्टेज अक्रॉस। अब इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, सो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। सो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस से मेजर करना है उसके पैरेलल मेजर करते हैं। अब हम जब पैरेलल मेजर करेंगे तो करंट को डिवाइड करेगा, तो एक्चुअल करंट यहाँ कम हो जाएगी। सो करंट का डिवीजन कम से कम हो, ज़्यादा करंट इधर नहीं जाए, तो हमें वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को हाई रखना पड़ेगा। सो थर्ड में क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज़ वेरी हाई। आप हाई नहीं रखेंगे तो उधर करंट डिवाइड हो जाएगी वेरी हाई। फोर्थ आइडियल के लिए पूछा जाता है, सो रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल जैसी कोई बात नहीं होती है, बट कभी पूछे रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। सो इसका जो आइडियल वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना ले लिया, इनफाइनाइट ले लिया। अब वोल्ट मीटर बनाएंगे कैसे, सो वोल्ट मीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कहाँ से, गैल्वेनोमीटर से। सो गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू वोल्ट मीटर बाई कनेक्टिंग ए लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो सीरीज में लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, जैसे आप समझिए यहाँ मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर से करंट जा रही है IG, मैक्सिमम ये जो वोल्टेज मेजर कर सकता है वो BG मेजर कर सकता है, लेकिन मुझे सर्किट में इससे ज़्यादा वोल्टेज मेजर करना है। सो मैं क्या करूँगा, इसी के इधर सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूंगा R, और मान लिया इसका वोल्टेज कितना है VR। सो अब मैं वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ ये V। नाउ आई वांट टू मेजर दिस वोल्टेज V,
लेकिन जब मैं वी मेजर करना चाहता हूँ तो मेरे पास तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट केवल एक गैल्वेनोमीटर है जो मैक्सिमम वोल्टेज की तरह मेजर करेगा वी जी, लेकिन मुझे मेजर करना है उससे ज़्यादा। सो वी इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू वी जी। गैल्वेनोमीटर मेन इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर है जिसके अंदर एक कॉयल है और हम जब करंट फ्लो करते हैं तो उस कॉयल में टॉर्क लगता है, उस कॉयल से कनेक्ट करके हम एक पॉइंटर रखते हैं और पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर जाता है, उसके डिफ्लेक्शन को देख के हम बताते हैं कि करंट फ्लो कर रही है या नहीं कर रही है। ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा तो ज़्यादा करंट है, कम डिफ्लेक्शन है तो कम करंट है, ये गैल्वेनोमीटर है। लेकिन मेरे को तो इसको यूज़ करना है क्या करने के लिए, करंट मेजर करने के लिए और वोल्टेज मेजर करने के लिए। गैल्वेनोमीटर की सीरियस लिमिटेशन क्या है कि इसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट है आई जी, ये बहुत स्मॉल है, ये जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर हम जो वोल्टेज लगाते हैं बी जी, वो भी बहुत स्मॉल है। तो यदि मेरे को उससे बड़ा करंट मेजर करना है तो मैं इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा देता हूँ जिससे एक्सेस करंट वो ऊपर चला जाए। यदि मुझको इससे ज़्यादा वोल्टेज मेजर करना है तो मुझे उसके सीरीज में लगाना पड़ेगा जिससे वोल्टेज डिवाइड हो जाए। सो ये जो वोल्टेज बी में मेजर करना चाह रहा हूँ वो किसके इक्वल हो जाएगा, वी जी प्लस बी आर। अब आप जितना ज़्यादा वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं उतना ही ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस पर ड्रॉप करना होगा, और यदि सीरीज में रेजिस्टेंस आप लगाएंगे तो अपने को पता है कि जिसमें जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसी में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, क्योंकि सीरीज में करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, जो आई जी करंट गैल्वेनोमीटर से होके जाएगी वही आई जी करंट इस रेजिस्टेंस से होके जाएगी। लेकिन यदि इस आर की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका वोल्टेज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मान लो बी जी 1 मिली वोल्ट था लेकिन आप मेजर करना चाहते थे 100 मिली वोल्ट, तो इसका रेजिस्टेंस भी 100 टाइम्स कर दीजिए तो आपका वोल्टेज बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप जो है बी मेजर कर सकते हैं। सो अब जो मेजर्ड वोल्टेज हो गया हमारा वो हो गया बी जी प्लस बी आर, विच इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू बी जी, बिकॉज वी आर कैन बी वेरी लार्ज। आप जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस कर देंगे उतना ही ज़्यादा मेजर कर सकता है। अब आप आगे इसको देख लीजिए, बी जी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आई जी इंटू जी के, और ये किसके इक्वल होगा, आई जी इंटू आर के। सो वी हो गया आई जी और इधर जी प्लस आर, ये इसका इक्वेशन हो गया। सो वी इज इक्वल टू आई जी जी प्लस आर। मान लो इसका रेजिस्टेंस बताना है तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है आर वी वो किसके इक्वल होगा, आर प्लस जी के इक्वल होगा। दिस इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर। और यदि आपको एमीटर का रेजिस्टेंस बताना है तो एमीटर के लिए मैंने आपको बताया था कि कैसे जोड़ते हैं उसको पैरेलल में, पैरेलल में होता है प्रोडक्ट बाई सम, तो ये हो जाएगा जी इंटू आर डिवाइड बाई जी प्लस आर। सो रेजिस्टेंस इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसका रेंज कितना हो गया, रेंज बी हो गया, 0 to B इज़ द रेंज। ये इस बी से ज़्यादा मेजर नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने करंट तो फुल डिफ्लेक्शन करंट भेज दिया, तो ये मैक्सिमम वी मेजर कर सकता है। तो इस तरीके से हम जो है गैल्वेनोमीटर समझ गए, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना सीख गए और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना सीख गए।